शांति। 25 अक्टूबर 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े सुने और मंथन करें। इस लाइट को, बाबा की लाइट को बंद कर। पढ़े सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे साय 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, उसी से आप सवेरे भी शाम को भी रोजाना जुड़ सकते हैं। और यदि आपके पास लिंक नहीं मिल रहा, आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो सामने व्हाट्सएप वीडियो जो देख रहे हैं उसमें व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर व्हाट्सएप करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हो। आपका कोई प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं, आपका कोई विचार हो सुझाव हो तो वो भी हमें दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की एक नजर मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते। एक नजर मिलने से सारे मनुष्य मात्र क्या हो जाते हैं? निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, नजर से निहाल कींदा सतगुरु स्वामी मेरे। मतलब सतगुरु ने हमारे सतगुरु ने हमें नजर से निहाल कर दिया। ये नजर से निहाल होना क्या होता है? देखा है कभी नजर से निहाल होना? देखा तो सबने, बता कौन सकता है, ये बताओ। नजर से निहाल करना बताओ दुनिया में। हैं जी, सबसे जो अच्छी नजर होती है, द बेस्ट नजर होती है मां की, देखती है ना उसकी, मां की नजर होती है। बच्चा ऐसे दौड़ता हुआ, फिर बाप की आती है नजर, क्योंकि बाप के पास भी बच्चा उतनी नशे से जाता है, उतनी खुशी से जाता है, उतना उमंग उत्साह से जाता है। तो ये नजर है, और किसी को नहीं देख सकती मां। दूसरे बच्चे को उतना, बाकी सब एक जैसे नहीं होते, परंतु दूसरे बच्चे को देखने में और अपने बच्चे को देखने में ये अंतर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो यही नजर शिव बाबा के पास है कि जिसको देखा वो शिव बाबा का हो गया, और वो नजर ब्रह्मा बाबा के पास जो गया वो बस दीवाना हो गया। तो ये नजर है, अपनापन है। आज आप भी किसी को अपनेपन से देखो, अपने पर सच्चे अपने मन से, मैं क्योंकि ऊपर से तो देखते हैं, आ मेरा बेटा, वाह बेटा वाह, अंदर से पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है धृतराष्ट्र की तरह, यानी। तो मतलब कहने का यह है कि हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है कि बाबा ने अपनापन जो दिया वो है नजर से निहाल करने वाला कमाल। प्रश्न, तुम बच्चों की दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्यों बजने चाहिए भाई? बाबा ही पूछ रहा है, कोई और भी नहीं पूछ रहा है। तुम बच्चों के की दिल में मन बुद्धि और संस्कार तीनों नगाड़े बजा रहे हो, तीनों खुशी में नाच रहे हो, बिना नगाड़े के बिना किसी आवाज के बस उड़ रहे हो, क्योंकि कोई नगाड़े मन बुद्धि संस्कार तीनों कोई नगाड़े नहीं बजा सकते, परंतु इतनी खुशी अंदर ही अंदर मिल रही है बाबा से मिलन मनाने की कि वो डांस कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, जैसे कि नगाड़े बज रहे हों। क्योंकि जब नगाड़ा बजता है तो सब उस ताल पर बैठे बैठे भी नाच रहे होते हैं, उनके पैर हिल रहे होते हैं, बेशक ना उठना चाहे, बीमार भी हो
तो भी मतलब उनके हाथ पैर जो है ना उसी प्रकार से हिलना शुरू कर देते हैं। तो जब बाबा मिल गया तो इतनी खुशी होती है कि बिना नगाड़े के, बाबा ने तो कहा कि नगाड़े बजा रहे हैं, पर तो बिना नगाड़े के भी वो नाच रहे होते। उत्तर, क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने की। हमें खुशी है कि बाबा आया है इस दुख की दुनिया से हमें अपने घर ले चलने के लिए, सुख की दुनिया में ले चलने के लिए बाप आया है। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे और हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। पहले क्या होगी? हाहाकार, और उसके बाद क्या होगी? संगम पर होगी या संगम के बाद होगी? सोचना है। यही बात भाई बहनों को न समझ में आने के कारण बड़बड़ हो जाती है। जय जयकार भी अभी होगी और हाहाकार भी अभी होगी। अब जय जयकार कहां होगी और हाहाकार कहां होगी? हां जी, तो जय जयकार कहां होगी? फिर तो ये बताओ ना, संगम में भी कोई फर्क होगा ना? हाँ, जो सतयुगी बन गए होंगे वो करेंगे जय जयकार, और जो अभी भी कलयुगी हैं वो करेंगे हाहाकार, और संगम वाले कभी उधर और कभी उधर, क्योंकि अंत तक संगम तो रहेगा ना। एक तरफ सतयुगी जो बिल्कुल संपूर्ण सतयुगी बन गए हैं वो करेंगे जय जयकार, उनको पता लगेगा कि कृष्ण का जन्म हो चुका है, उनको पता लगेगा। ये मैंने निकाल के रखा हुआ था, शाम वाले में मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी निकालने में टाइम लग जाएगा, कि जिस जो बाबा की मुरली की ला वो है पैराग्राफ, उसके अंदर भी यही लिखा है, परंतु उसको ध्यान से वो पढ़ते नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है कि सबको पता चलेगा कि कृष्ण का जन्म हो चुका है, पता चलेगा। भाई जी, मुरली को ध्यान से सुनो ना, होने का पता नहीं चलेगा। भाई जी, मुरली को ध्यान से, लाइन को ध्यान से सुनो, जो बात वो कही वो भी ठीक, जो आप बताने जा रहा हूं वो भी ठीक, क्योंकि ये पता उनको लगेगा जिन्होंने जय जयकार करनी है। जो सतयुग वाले हैं, संगम वालों को नहीं पता लगेगा, कलयुग वालों को पता नहीं लगेगा। अब आप सोचो कि आप कहां हो जो आपको पता लग जाए। हम इस समय संगम पर खड़े हैं, हमें पता नहीं लगेगा। मतलब ये सारे के सारे काट जो है ना बाबा ने अपने हाथ में रखी है। बाबा की जो पढ़ाई है ना बड़ी वंडरफुल है। मतलब ये लाइन ही किसी को समझ में आ जाए तो उसे सारा राज समझ में आ सकता है कि हाहाकार क्यों करेंगे सत्युग वाले। उनको उनका हाहाकार होगा जो अभी तक द्वापर कलयुग में आने वाले हैं, और जो संगम पर खड़े हैं आधे अधूरे हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, वो रो भी रहे होंगे, हंस भी रहे होंगे, अच्छा बाबा मेरा बेटा गया, और उधर बेटे का दुख चली गई है। हैं जी, सत्युग में आने वाली जो आत्मा चली गई ऊपर है। ऊपर क्यों है? वो यही है, दोबारा जन्म ले लिया हमने। बिल्कुल, कहां जाएंगे बेचारे? पहले हम देखेंगे, हम बेकार करेंगे। आप कैसे, आप देख नहीं सकते ना उनको, यही तो लाइन है भाई। समझ, बात मोटी सी समझिए, सिंपल सी बात समझिए। बाबा ने कहा, मुरली की लाइन मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मुरली आप बोल रहे हो वो लाइन बाबा की मुरली की लाइन बोल रहा हूँ, कि यदि किसी को भी पता लग जाए कि कृष्ण आ गया है, चाहे वो कृष्ण को नहीं मानता, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, वो कहेगा मैं जा रहा हूँ, वहां सारा मकान बेच करके भी, वहां से हवाई जहाज की टिकट लेकर के भी आएगा, मैं उसको जरा पकड़ के आता हूं। इसलिए पता नहीं चलेगा, इसलिए पता नहीं चलेगा कि उनको कैसे पता लग जाए, उनको कैसे पता लग जाए, उन्होंने ऐसे कर्म ही नहीं किए।
ये सिर्फ उनको बाबा कितनी लाइन क्लियर कर रहा है कि हाहाकार के बाद जय जयकार होगी। एक तरफ हाहाकार होगी, सारे मर रहे होंगे, सारे का मार काट चल रही होगी, तड़प रहे होंगे, कैसा भी उनका चल रहा होगा, और दूसरी तरफ वो सतयुगी आत्माएं जिनको पता लग गया कि अच्छा, क्योंकि ये देखिए कितनी कमाल की बात है, एडवांस स्टेज वाली आत्माएं जो सारे काम मिलकर के कर रही हैं, उनको भी नहीं पता कि कृष्ण ने जन्म ले लिया। आप ये कितनी कमाल की बात करते हो, उनको भी नहीं पता। हाँ जी, भाई जी, जाने से पहले पता लगेगा उनको, कृष्ण सतयुग में नहीं आएगा। देखिए बात, जब सतयुग शुरू होगा तब कृष्ण थोड़ा आएगा यहां धरती पर, कृष्ण का शरीर आएगा और उसको यह भी नहीं पता होगा कि मैं कृष्ण था, मैं कृष्ण था। कितनी मतलब कितना बड़ा राज है इसके अंदर ना, क्योंकि परम धाम से आने के बाद उसे इस दुनिया की कोई बात मालूम नहीं होगी, आत्मा के लिए ऐसा है, इस जन्म की बात अगले जन्म में याद ही नहीं रहती। तो ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से एक एक बात को बहुत ध्यान से समझा जाए तो समझ में आएगा। बाप की एक नजर से सारे विश्व को, सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारी विश्व क्या हो जाएगी, निहाल हो जाएगी। परमात्मा से जो जो मिलेंगे, चाहे डायरेक्ट मिलेंगे चाहे इनडायरेक्ट मिलेंगे, खुश तो सारे होंगे। कलयुग वाली आत्मा को भी उनके जो इष्ट देव है उनके द्वारा, आप लोगों के द्वारा उनको जो संदेश मिलेगा वो भी खुश होंगे। अच्छा, आपने भगवान के बारे में सुना था, आप भगवान से मिले तो नहीं थे, आपने भगवान की पढ़ाई पढ़ी है, वाह कमाल है आपकी, आप इतने कमाल हो, आपकी महानता है, वो आपकी गुणगान करते रहेंगे, है नहीं? तो आपको, आपसे सुन करके भी, आपने उनको देखा था जिन्होंने बाबा से मुलाकात की थी, जो बाबा से मिले थे उनको आपने देखा, वो उनको देख करके ही खुश हो जाएंगे, उनकी बात को सुनकर के खुश हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, गंगा जी नहाने गए, बोले जी है ना ठंडा पानी बहुत है, बोला भाई मेरे बस की तो नहीं है नहाने जाना। और एक जो ना गया नहाने के लिए और वो आ रहा था, बोला भी नहा क्या, बोला हाँ मैं नहा क्या, पानी का बहुत ठंडा है पानी भाई, फिर तू कैसे नहाया, बोला मैंने एक पत्थर उठाया उसमें डुबोया और उसको बाहर निकाला, उसको हाथ लगाया, हे पत्थर देवता तू नहाया सो मैं नहाया, आ रहा हूं क्या करूं, इतने ठंडे पानी में कौन नहाए, बोला अच्छा ये तो बहुत अच्छा तरीका है, मैं तेरे को हाथ लगा लेता हूं, तू नहाया सो मैं नहाया, चल घर चलते थे। नहीं ऐसे होगा थे नहीं, तो हमें बहुत अच्छी तरह से बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें मुरलियों में, ये भी मुरली की लाइन है जो मैं आपको सुना रहा हूं, कि वो ऐसे ही ना बिना नहाए जो है ना घर आ जाते हैं और ऐसे ही जाएंगे। ओम शांति। रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ये तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है, बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं वर्षा देने आया हूं, बाप की दिल में तो वर्षा ही याद होगा, बाप की दिल में क्या होगा, वर्षा याद होगा, लौकिक बाप की भी दिल में वर्षा ही याद होगा, बच्चों को वर्षा देंगे, बच्चा नहीं होता होता है तो मूंझते हैं, बच्चे को सारी जायदाद का मालिक बनाना है, अब बच्चा नहीं है तो फिर तो उनको मूंझ होती है कि क्या करें, अब किसको देंगे सारी जायदाद, हम मर जाएंगे हमारा क्या होगा, हमारे सिर को कौन फोड़ेगा, फिर अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं, चल तू मेरा सिर फोड़ दियो, मेरा पैसा तू संभाल लियो, मेरी भी सेवा कर दे, रोटी रोटी खिला दिया कर, और फिर अडॉप्ट कर लेते हैं। यहां तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारे दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब तरफ नजर जाती है, जानते हैं सबको मुझे, मुझसे वर्षा दे, मुझे वर्षा देना है, शिव बाबा जानता है मैंने सबको वर्षा देना है, बल बैठे यहां हैं परंतु नजर सारे विश्व पर है। शिव बाबा कहते बेटा मैं बल यहां हूं परंतु मेरी नजर सारी आत्माओं पर है कि मैंने सारी आत्माओं को वर्षा देना है, अपने निश्चित समय पर वो आकर के वर्षा लेंगे, एक सेकंड लेट और पहले नहीं होंगे।
परंतु नजर सारे विश्व पर है, सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है। बाप समझाते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग, तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, सबको बाबा आया हुआ है, सबको शांति धाम सुख धाम ले जाने, सब निहाल हो जाने वाले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नजर से निहाल कींदा मेरे सतगुरु स्वामी। तो की जाती है ना, सब नहीं पढ़ेंगे, सारे आकर के बाबा के पास तो ना पढ़ेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार सबको घर जरूर वापस जाना है, सबको वापस घर जरूर जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। थोड़ा आगे चलेंगे खुद भी समझ जाएंगे, थोड़ा आगे चलेंगे तो समझ जाएंगे अब विनाश होता है। सब सारी दुनिया जानती है, और तब से जब हम 12वीं में पढ़ते थे, मुझे याद है उस समय एक चैप्टर होता था और जिसके अंदर था कि विनाश हो जाएगा। उसके अंदर डेट तो नहीं दी थी कि अब विनाश हो जाएगा, क्योंकि सारे कारण बताए गए थे उसके अंदर। तो सोचिए कि 12वीं में कला और चैप्टर हमारे पास, वो बहुत पहले कहीं किताब लिखी गई होगी, वो पाठ कभी बहुत पहले लिखा गया होगा। सब्जियां नहीं होंगी, जमीन नहीं होगी, खाने को सामान नहीं होगा। खाने के लिए आपको गोभी का फूल खाना है तो आपको कृषि मंत्री से परमिशन लेनी होगी, तो आप गोभी का फूल ले सकेंगे। जनसंख्या विस्फोट इतना बड़ा हो जाएगा, गोभी का इंजेक्शन लगेगा सबको, हर चीजों का इंजेक्शन लगाएंगे और चलेंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे सिलेंडर और चलेंगे। मतलब उन्होंने पहले अनुमान लगा लिया था, मतलब उस समय उन्होंने लिख दिया था अनुमान लगा करके कि आगे ये समय आने वाला है कि ऑक्सीजन होगी नहीं, और ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर के ही सारे चलेंगे। जैसे कोल्ड ड्रिंक लेते हैं ना दुकान से, ऐसे सिलेंडर लेंगे, हमारा सिलेंडर खाली हो गया, एक और सिलेंडर दो, हम जिंदा रहे तो चलेंगे। अब नई दुनिया की स्थापना होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना, तो बुद्धि में आ जाएगा बाप आया हुआ है, पैराडाइज स्थापन होगा और हम शांति धाम में चले जाएंगे। सबकी गति होगी ना, बाकी तुम्हारी सदगति होगी। अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। अभी तो बहुत हाहाकार है, कहां अकाल पड़ रहा है, कहां लड़ाई चल रही है, कहां भूकंप होता है, हजारों मरते रहते हैं। अब तो हजारों क्या, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी, इतने इतने बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं, रोज आना कितने मर रहे हैं, बीमारी के कारण कितने मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स भरे पड़े, डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज जाती हैं वहां। हॉस्पिटल में जाते ही तब है जब वो मरने वाले होते हैं, हॉस्पिटल वाले क्या करें। अब जिसका बचने का चांस होता है तो वो बच के वापिस आ जाता है, नहीं तो चलो भाई हाँ जाना ही है, मौत तो होना ही है। सतयुग में ये बातें होती, सतयुग में ये बातें होती नहीं। बाप जानते हैं अब मैं जाता हूं, फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। मैं भारत में ही जाऊंगा, सारे विश्व में भारत जैसे गांव है, सारे विश्व में ऐसे गांव है जैसे यहाँ भारत में भी है। बाबा के लिए तो गांव ठहरा, बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सतयुग में सारी विश्व जैसे एक छोटा गांव था। सतयुग जब होता है तो सारा विश्व इतना छोटा होता है, एक गांव। क्योंकि एक गांव में भी आप सोचो 2-3 हजार 4 हजार लोग तो कम से कम होते हैं छोटा गांव में, बड़ा गांव है तो ज्यादा भी होंगे, ठीक है नहीं, तो 10-20 हजार 50 हजार। अब सारे भारत में 9 लाख की जनसंख्या भी हो पहले दिन, तो आखिर वो एक ही जगह पर तो नहीं रहते होंगे ना, पूरे भारत में रहना है तो पूरे भारत में सोचो एक गांव में 1500 लोग होंगे, और इसी प्रकार से दूर दूर बड़े बड़े मकान बनाएंगे, सारी धरती पड़ी है, कहां कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला 9 लाख। हाँ वो तो एक शहर की 2 करोड़ है ना, तो बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सतयुग में सारी विश्व जैसे एक छोटा सा गांव होगा। अभी तो
कितनी वृद्धि हो गई है, गुड़गांव की भी 1 करोड़ है नहीं, मतलब वो तो मतलब सोचो कि कितने, हाँ तो बाप की बुद्धि में तो सब है ना। अब इस शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं, तुम्हारे पुरुषार्थ वही वही चलता है, तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है जो कल्प कल्प चलता है। बाप भी कल्प वृक्ष का बीज रूप है, ये है कॉर्पोरियल झाड़, शरीर का कॉर्पोरियल होता है शरीरों का झाड़, और आत्माओं का झाड़ है परमधाम में। ये जो कल्प वृक्ष दिखाते हैं ये हम शरीरों का झाड़ है, परंतु शरीरों वाले झाड़ में हम धर्म पिताएं भी पूरे नहीं दिखा पाते हैं, बाकी आत्माओं की तो बात ही अलग हो जाती है। इन कॉर्पोरियल झाड़ ऊपर है, तुम जानते हो ये कैसे बना हुआ है, ये समझ और कोई मनुष्य में नहीं है। बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो, कहां समझदार स्वर्ग में राज्य करते थे, उनको कहा ही जाता है सचखंड हेवन, क्योंकि समझदार थे जो सतयुग में देवी देवता बने, अकलमंद थे वो। अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए, बाबा आया हुआ है। ये पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी, जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप तो पढ़ा रहे हैं, ये तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती जाती है, और बहुत हो जाएंगे, सबका स्कूल इकट्ठा थोड़े ही होगा, इतने रहेंगे कहां, सारे एक साथ पढ़े तो रहेंगे कहां। तुम बच्चों को याद है अभी हम जाते हैं सुखधाम, जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं, जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं ना, क्योंकि इतना पैसा खर्च करके जाएंगे, ऐसे तो है नहीं कि आजकल तो जाते हैं सवेरे जाते हैं शाम को आ जाते हैं, ठीक है ना, मतलब सवेरे जाते हैं शाम को आ जाने वाले, इतना व्यस्त तो टाइम 10-12 घंटे 14 घंटे दूसरे देशों में कहीं 8 घंटे के 6 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। अब रशिया में जैसे गए हैं तो काफी टाइम लगता है, जबकि बहुत फास्ट एरोप्लेन जाता है उनका, सबका तो एक फ्लाइट में जा ही नहीं सकते, मतलब क्योंकि रास्ते में रुकना तो पड़ता ही है। फिर आते हैं भारत में, भारत तो गरीब है, विलायत वालों को यहां सुख नहीं आएगा, वैसे तुम बच्चों को भी यहां सुख नहीं है। तुम जानते हो हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हम स्वर्ग के मालिक देवता बनते हैं, वहां कितना सुख है होंगे, उस सुख को सभी याद करते हैं ना। ये गांव कलयुग तो याद भी नहीं आ सकता, ये गांव जो दुनिया में कलयुग में है ये वहां याद भी नहीं आ सकते, पता ही नहीं होगा कि ऐसे भी कोई गांव होते हैं। इनमें तो अथाह दुख है, आजकल तो गांव में क्या है, अथाह दुख है। इस रावण राज्य पतित दुनिया में आज अपरम अपार दुख है, कल फिर अपरम अपार सुख होंगे। हम योग बल से अथा सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं, ये राजयोग है ना। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, तो ऐसा बनाने वाले वाले टीचर को याद करना चाहिए ना। टीचर बिगर बैरिस्टर इंजीनियर आदि थोड़े ही बन सकते हैं। ये फिर है नई बात, आत्माओं को योग लगाना है परमात्मा बाप के साथ, जिससे ही बहुत समय अलग रहे हैं, जिससे ही हम बहुत समय क्या रहे हैं, अलग रहे हैं, बहुकाल का क्या है, कहते ना अलग रहे बहुकाल, तो क्या है इसका मतलब। वे भी बाप आपे ही समझाते हैं कि आप मेरे से कब से बिछड़ जाते हो, 1 साल मेरे साथ रहते हो फिर यहाँ पाठ बजाने आ जाते हो, फिर 4900 साल के बाद मुझे ही आना पड़ता है आप बच्चों से मिलने के लिए, आपको वापस घर ले जाने के लिए। मनुष्य तो लाखों वर्ष आयु कह देते हैं, बाप कहते हैं नहीं, ये तो हर 5000 वर्ष बाद तुम जो पहले पहले बिछड़े थे वही आकर बाप से मिलते हो,
तुमको ही पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। जीव आत्मा है ना, आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। आत्मा में आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा कभी पुरानी नहीं होती है, वंडर है ना। पढ़ाने वाला भी वंडरफुल, पढ़ाई भी वंडरफुल, किसको भी याद नहीं, भूल जाती है। आगे जन्म में क्या पढ़ते थे किसी को भी याद नहीं कि हम पिछले जन्म में क्या पढ़ते थे, किसको याद है क्या? इस जन्म में तुम पढ़ते हो, रिजल्ट नई दुनिया में मिलता है, और तुम पढ़ते इस जन्म में हो और रिजल्ट आपको अगले नई दुनिया में मिलता है, और वहां भी तुम्हें पता नहीं होगा, वहां भी हमें पता नहीं होगा कि हम जो कलयुग में संगम पर मेहनत करके आए हैं उसके परिणाम स्वरूप अब हम ये सत्ययुग की प्रारब्ध पा रहे। ये सिर्फ तुम बच्चों को पता है, ये याद रहना चाहिए। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है, हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, ये याद रहे तो भी तुमको बाप की याद रहेगी। याद के लिए बाप अनेक उपाय बताते हैं, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तीनों रूप में याद करो। कितनी युक्तियां दे रहे हैं याद करने की, परंतु माया भुला देती है। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप ने ही बताया, बाप ने ही बताया। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये कौन सा युग चल रहा है? पुरुषोत्तम, उत्तम आत्मा बनने वाला संगम युग। ये याद करो, फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते, फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते? युक्तियां बताते हैं याद की, फिर साथ साथ कहते भी हैं माया बड़ी दुष्कर है। बाबा फिर इसके साथ ये भी कहते हैं माया बड़ी दुष्कर है, घड़ी घड़ी तुमको भुलाएगी, देह अभिमानी बना देगी, इसलिए जितना हो सके याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते देह के बदले अपने को देही समझो, देह के बदले अपने को क्या समझो, देही समझो। और मुझ एक बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते देह के बदले अपने को देही समझो। ये है मेहनत। नॉलेज तो बहुत सहज है, ज्ञान तो बड़ा सरल है, सब बच्चे कहते हैं याद ठहरती नहीं, सब बच्चे कहते हैं बाबा याद ठहरती नहीं। तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच लेती है। माया क्या करती है? अपनी तरफ खींच लेती है। इस पर ही तो ये खेल बना हुआ है। तुम भी समझते हो हमारा बुद्धि योग जो बाप के साथ और पढ़ाई की सब्जेक्ट में होना चाहिए वे नहीं है, वे नहीं है। परंतु तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, परंतु तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं है, परंतु पढ़ाने समय कुछ तो आगे चाहिए ना, पढ़ाने समय कुछ तो आगे चाहिए ना,
कितने चित्र बनते रहते हैं। पांडव, गवर्नमेंट के प्लान देखो कैसे हैं। उस गवर्नमेंट के भी प्लान हैं। तुम समझते हो नई दुनिया में सिर्फ कौन था? भारत ही था। नई दुनिया में क्या था? सिर्फ भारत ही था। बहुत छोटा था भारत भी। कितना था? बहुत छोटा था। सारा भारत विश्व का मालिक था और कोई था ही नहीं। दूसरा देश कोई था ही नहीं। एवरीथिंग न्यू, ये कहां से आ गया? एवरीथिंग न्यू का क्या मतलब है भाई? आंख बंद करके सुनोगे तो उल्टे हाथ निकालोगे। कोई नया नहीं क्यों? एवरीथिंग न्यू मींस हर बात नई। उल्टा हो गया ना। एवरीथिंग न्यू, जो कुछ भी हो रहा है वो नया हो रहा है। दुनिया तो एक ही है, एक्टर्स भी वही है, चक्र फिरता रहता है। एक्टर्स भी वही है, चक्कर चलता रहता है। कितनी कमाल की बात है। हर चीज नई। ड्रामा में कुछ भी होगा वो नया ही होगा। चक्र फिरता जाता है। तुम गिनती करेंगे इतने सेकंड, इतने घंटे, इतने दिन, इतने साल पूरे हो गए, फिर चक्र फिरता है। नया कहां से आएगा? ड्रामा, ड्रामा तो रिपीट हो रहा है, पुराना जो पहले बना है वो रिपीट होता रहता है। नया कहां जा रहा है? ये हमारा जो बाबा है ना, चित्त भी इसकी है और पट भी इसकी है, पर तो समझना जरूर चाहिए, क्योंकि जो उल्टी सुल्टी बातें हैं वो समझनी जरूर चाहिए। जो कुछ भी 5,000 साल के अंदर होता है वो पहली बार होता है और 5,000 साल के बाद रिपीट होता है। नहीं, जैसे आप इस टाइम जो चश्मा पहनकर बैठे हैं या जो कुछ भी सिर हिला रहे हैं, ये इस कल्प में आप पहली बार हिला रहे हो। पहले भी हिलाया होगा मैंने कभी? 5,000 साल पहले हिलाया था ठीक किसी टाइम, परंतु 5,000, ध्यान दीजिए ना, यही समझने वाली बात है कि कहां एवरीथिंग आता है कहां नथिंग आता है। जैसे फिल्म है, 3 घंटे की फिल्म है, उस 3 घंटे की फिल्म के अंदर भगत सिंह को फांसी चढ़ाई जाती है, तो पहली बार चढ़ाई जाएगी ना। जब दोबारा देखेंगे तब कहेंगे भगत सिंह को फांसी कैसे चढ़ाई गई थी। तीसरी बार देखेंगे, चौथी बार देखेंगे तब। तो इसलिए हर फिल्म में जो पहली बार देखेगा उसके लिए तो वो एवरीथिंग न्यू होगा ना। हमारी याद नहीं रहता, हम तक वही है, हम हर जन्म में भूलते रहते हैं, अब पता नहीं नया ही देख रहे हैं। मतलब जो भाई जी, जो कुछ भी है हर चीज नई है। आपका हर एक्ट नया है। एक बार जो हाथ उठा दिया दोबारा हाथ उठाएंगे वैसा नहीं उठा सकते, वो अलग ही उठेगा। उस टाइम तक समय, स्थान और आपका शरीर तक बदल गया। मानना पड़ेगा, ये बाबा हमारी चित्त भी उसकी है और पट भी उसकी है। मतलब ऐसे गोल गोल चक्री में ज्ञान घुमा रखा है, सारा भूल भुलैया से बना रखी है, और उसके अंदर कितना जाग सकते हो जागो, कितना समझ सकते हो समझो। ये आपकी मेहनत है, हर आत्मा की अपनी अपनी मेहनत है। वंडरफुल ड्रामा है ये। आज कल करते करते 5,000 वर्ष पूरे हो गए। आज कल, आज कल वो साल नहीं आया दिवाली मनाने वाला, और आकर के बाद में बता भी दिया कि दिवाली तो संगम पर होती है, सतयुग में कोई दिवाली मनाएगा क्या? और सच्ची सच्ची दिवाली है, हाँ जी, जो भी बोल दे और वो सिद्ध कर देता है, क्या करे, हमें मना भी लेता है। हम भी ऐसे बुद्धू हैं,
जो कहता है मान लेते हैं, है नहीं, क्या करें, इतने बुद्धू बन गए, जो कहता है हम मान लेते, कहते ठीक है सत्य वचन, शिव बाबा के आगे तो सत्य वचन है नहीं, हमारी इस नकल को ही फिर सारे भगत सारा कल्प करते रहते हैं, ब्राह्मण जो कहे वो सत्य वचन। ब्रह्म वाक्य, ब्राह्मण वाक्य, ब्रह्म वाक्य, भगवान के वाक्य। आज कल करते करते 5000 साल पूरे हो गए, सब सीनरी चीन सीनरी खेल पाल होते रहते हैं। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है, झाड़ के पत्ते तो गिर नहीं सकते। ये झाड़ है इसका फाउंडेशन देवी देवता धर्म है। ये झाड़ ऐसा है जिसका फाउंडेशन, जिसका जड़ को क्या है, देवी देवता धर्म है। फिर ये तीन ट्यूब्स, उसमें से तीन शाखाएं निकलती हैं। कौन कौन सी शाखाएं निकल रही हैं? इस्लाम, क्रिश्चियन और बौद्ध। तीन धर्म मुख्य निकले हुए हैं, बाकी झाड़ के पत्ते तो कितने ढेर हैं, कोई की ताकत नहीं जो गिनती कर सके। इस समय सब धर्मों के झाड़ वृद्धि को पा चुके हैं, ये बेहद का बड़ा झाड़ है, ये सब धर्म नहीं रहेंगे। जो धर्म हम देख रहे हैं ये सारे धर्म नहीं रहेंगे। अभी सारा झाड़ खड़ा है, बाकी फाउंडेशन है नहीं, फाउंडेशन नहीं है। जैसे बैनियन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है, ये एक ही वंडरफुल झाड़ है। विश्व के अंदर ऐसा कोई झाड़ और नहीं है जिसके ये एक वंडरफुल झाड़ है। बाप ने दृष्टांत भी ड्रामा में ये रखा है, दृष्टांत कौन सा रखा है, बैनियन ट्री का रखा है, समझाने के लिए फाउंडेशन है नहीं, कि एक ऐसा पेड़ भी है जिसका जड़ नहीं है और खड़ा हुआ है, तना नहीं है। नहीं तो ये समझ की बात है ना, बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया है, बाबा ने हमें कितना समझदार बनाया है। अभी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी कुछ निशानियां हैं, आटे में नमक जितनी, आटे में नमक प्राय, ये निशानियां बाकी रही हैं। तो बच्चों की बुद्धि में ये सारा नॉलेज है, बच्चों की बुद्धि में क्या है, ये सारा नॉलेज है। बाप बाप की भी बुद्धि में नॉलेज है ना, क्योंकि बाबा आकर सारा नॉलेज बच्चों को दे रहे हैं, तुमको भी सारा नॉलेज दे, आप समान बना रहे हैं। बाप बीज रूप है और ये उल्टा झाड़ है, ये सारा झाड़ क्या है, उल्टा है। ये बड़ा बेहद का ड्रामा है। अभी तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है, तुमने बाप को और रचना को जान लिया, तुम्हारी बुद्धि कहां चली गई है, ऊपर बाबा के पास चली गई है। तुमने अब अपने बाप को और रचना को जान लिया है कि परमात्मा कैसे आकर ये सारा ड्रामा चलाते हैं। बल शास्त्रों में है, ऋषि मुनि कैसे जानेंगे, शास्त्रों में क्या लिखा है, नेति नेति, हम नहीं जानते कि सृष्टि का आरंभ कैसे किसने किया। ऋषि मुनि कैसे जानेंगे, एक भी जानता हो तो परंपरा चले, दरकार ही नहीं है। जबकि सदगति हो जाती है, बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता। नाटक पूरा हो तब तक सब एक्टर्स यहां होने हैं, नाटक पूरा होगा सारे एक्टर कहां होंगे, यही होंगे, कोई भी एक्टर एक सेकंड पहले नहीं जा सकता। सारे एक्टर्स एक साथ
एक सेकंड में जाएंगे ही जाएंगे। जब तक बाप यहां है, सभी एक्ट्रेस यहां होने चाहिए। कब तक यहां होने चाहिए? जब तक बाप यहां है। बाप जब जाएंगे तभी सारी एक साथ जाएंगे ना। जब वहां बिल्कुल खाली हो जाएगा तब तो शिव बाबा की बारात जाएगी। परम धाम जब खाली हो जाएगा तब शिव बाबा की बारात यहां से जाएगी। लास्ट आत्मा एक साल पहले आ चुकी। तो बाप सारी नॉलेज बैठकर देते हैं। ये वर्ल्ड का चक्र कैसे रिपीट होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर क्या आएगा? संगम होता है। गायन है ना, परंतु संगम युग कब आता है ये किसी को भी पता नहीं। ये संगम युग किसी को भी पता नहीं है। तुम बच्चे समझ गए हो, चार युग हैं और ये है लीप युग। ये कौन सा युग है? लीप युग, अतिरिक्त युग, अधिक युग, एक्स्ट्रा युग। इनको मिडगेट कहा जाता है। मिडगेट जानते हो? ये भी अंग्रेजी का शब्द है। किसको याद है? बहुत दिनों बाद आ रहा है मिडगेट। हाँ क्या होता है? हाँ मिडगेट अंग्रेजी का शब्द है ना। मुसीबत तो है ना, अंग्रेजी कौन पढ़े? अब हमें अंग्रेजी पढ़ी नहीं, कैसे बता दे? वही बता सकता है जो अंग्रेजी पढ़ा हो। कभी हमारे में से कोई पढ़ा है इंग्लिश? अब देर है, यही देर है। मिड गेट कहा जाता है, मिड गेट कहा जाता है बोने को, बोना, जो कद में बोने होते हैं ना। उम्र तो बहुत हो जाती है परंतु छोटे होते हैं। तो ये लीप युग बोना युग है। अतिरिक्त मास या अतिरिक्त युग जो है, बाकी तो 1250-1250 साल के हैं, ये जो है ना सिर्फ 100 साल का है। तो ये बोना है, मिड गेट कहा जाता है। श्री कृष्ण को भी मिड गेट दिखाते हैं। आप समझ में आया? छोटा सा दिखाते हैं ना कृष्ण, उसको बड़ा दिखाते ही नहीं है। दिखा देते हैं कहीं बड़ा, जब 16-17 साल का, 18 साल का, 20 साल का, बस किशोर दिखाते हैं। इससे बड़ा कृष्ण नहीं दिखाया जाता। श्री कृष्ण को भी मिड गेट दिखाते हैं। तो ये है नॉलेज। ये क्या है? नॉलेज है। नॉलेज को मोड़ तोड़ कर भक्ति में क्या बना दिया है? जो ज्ञान है इसको भक्ति में तोड़ मरोड़ कर पता नहीं क्या बना दिया। ज्ञान का सारा सूत मुझा दिया है। ये क्या होता है? सूत मुझा देना ज्ञान का। ज्ञान का सूत मुझा देना क्या होता है? धागा होता है। तो मुझ जाना क्या होता है? उलझ गए हैं। तो ज्ञान का सूत उलझाओ जरा। मतलब ज्ञान की बातें ऐसी उलझ गई हैं, कोई कुछ बोल रहा है, 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 किसकी बात माने? उसकी बात सुनो तो उसकी ठीक लगती है, उसकी सुनो तो उसकी ठीक लगती है, कहां मरे? ये उलझन है। उधर जाएं कि उधर जाएं, ये है ज्ञान का सूत मूंझना। उलझना तो हमारी भाषा हो गई, मूंझा हुआ है। उनको समझाने वाला तो एक ही बाप है। अब इस सूत को सुलझाए कौन? वो एक बाप ही आकर के सुलझा सकता है। और वो आके हमें कहता है कि तुम सुलझाओ इसको।
हाँ जी एक ही बाप है। प्राचीन राजयोग सिखलाने के लिए विलायत में जाते हैं, बहुत सारे लोग यहां से जाते हैं दूसरे देशों में, हम आपको प्राचीन राजयोग सिखाएंगे। वो तो ये है ना, प्राचीन अर्थात पहला पहला सहज राजयोग सिखलाने बाप आए। कितना अटेंशन रखते हैं, तुम भी क्या करो, अटेंशन रखते हो कि स्वर्ग स्थापन हो जाए। आत्मा को याद तो आता है ना, बाप कहते हैं ये नॉलेज जो भी अभी तुमको देता हूं फिर मैं ही आकर दूंगा, जो नॉलेज अब दे रहा हूं ना फिर यही नॉलेज 5000 साल बाद ऐसे ही आकर दूंगा। ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है, ये ज्ञान बुद्धि में रहने से खुशी बहुत होती है। बाकी थोड़ा टाइम है, अब चलना है। एक तरफ खुशी होती है, दूसरी तरफ फील भी होता है। अरे ऐसा मीठा बाबा, एक तरफ तो खुशी है कि घर जा रहे, दूसरी तरफ फील होता है ऐसा मीठा बाबा हम फिर कल्प बाद देखेंगे। ये दुख भी तो होगा ना साथ के साथ, जब तक पढ़ रहे हैं तब तक ठीक है, अब घर जाने पर तो ये बड़ा दुख होगा ना कि अब ऐसे बाबा से हम 5000 साल के लिए बिछड़ रहे हैं, परम धाम में भी इसके साथ नहीं मिल सकेंगे और किसी युग में भी नहीं मिल सकेंगे, इसी संगम पर ही बाप से आकर मिलेंगे। सर थोड़ा सा आंसू तो आएंगे नहीं, दुख तो होगा भाई, बाबा से 5000 साल के लिए बिछड़ जाएंगे। अब ऐसी ऐसी बातें खुद बता रहा है, अब बताओ खुशी भी सारी गड़बड़ हो जाती है। हम डांस कर रहे थे अभी, बिना नगाड़े बजवा रहा था हमारे बुद्धि के, और अब जो है ना अब ऐसी बातें कर रहा है कि ये तो बड़ा गड़बड़ है भाई, 5000 साल बिना बाप के रहना पड़ेगा, सतयुग में तो पता भी नहीं होगा क्या करूं कहां जाए। मैं तो पकड़ के बैठा हूं, पर तू क्या करे, छुड़वा देगा जबरदस्ती। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो करो तो बाप भी याद आएगा। इस दुख धाम को भूल जाओ, बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा। ऐसी बातें सुनाता है, हमारा ममत्व भी खत्म कर दिया है संसार से। तुम रिटर्न में फिर सुख धाम में जाते हो, सत्व प्रधान बनते जाएंगे, कल्प कल्प जो बने हैं वही बनेंगे, उनको ही खुशी होगी, फिर ये पुराना शरीर छोड़ देंगे, फिर नया शरीर लेकर सत्व प्रधान दुनिया में आएंगे, ये नॉलेज खलास हो जाएगी। बातें तो बहुत सहज है, रात को सोते समय ऐसे ऐसे स्मरण करो तो भी खुशी होगी। हम ये बन रहे हैं, सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की, पांच विकारों से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं, लोभ तो नहीं आया। अपने ऊपर जांच रखनी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, योग बल से अथाह सुखों वाली सारी दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है, खुशी रहे कि हम सच खंड के मालिक बन रहे हैं। रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, ये चेकिंग करनी है, कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं हुए। वरदान है
वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भाव। किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास तो ये सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं, दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भाव का वरदान मिला हुआ है कि हम सबसे श्रेष्ठ संपत्तिवान हैं। स्लोगन है, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। पर सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को क्या बना देना है हमें, वाह वाह। हमारी टांगे टूटे कहो वाह वाह, सिर फूटे कहो वाह वाह, मकान जल जाए तो कहो वाह वाह, ताकि आखिर में कितना भयानक सीन आंखों के सामने आए तो भी बोलो वाह वाह। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।